तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, आज जो मेरा हार्डवेयर लेसन का 10 लेसन ये है, तो मेरे पास ये एक जेटू का फ़ोन है जिसका कि पावर बटन नहीं काम कर रहा है। और ये देखिए, मैं चार्जिंग भी लगाता हूँ तो ये चार्जिंग शो करता है बट इसका पावर बटन काम नहीं करता है। तो इसका जो है प्रॉब्लम है ट्रैक का, इसका ट्रैक जो है वो ओपन हो चुका है। मैं कितना भी ये पावर बटन दबाऊं तो ये ऐसे ही रहता है, ऑन नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप मोबाइल रिपेयर सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिखे उसे भी दबा दें, ताकि मैं जो न्यू से न्यू लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं वो आपसे मिस ना हो। और ये जो मैं बताऊंगा अभी बिल्कुल स्मैटिक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके बताऊंगा कि कहाँ से इसका फॉल्ट है, कहाँ इसका फॉल्ट बनता है जेटू का पावर बटन का। मैं पहले वीडियो बना चुका, वो शॉर्ट में बताया था, और ये जो है बिल्कुल डीपली बताऊंगा स्मैटिक के थ्रू और हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो ला पाता हूँ वीडियो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट बस रहता है, लाइक और कमेंट जो है आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ या ना करूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर देना, हॉट कोल्ड टेस्टिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग, ये देखिए यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, अगर कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग का पता नहीं है तो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ वो देख लीजिए। ये देखिए मेरा रीडिंग आ रहा है यहाँ पे, और इस साइड ये रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब है ये जो हमारा ट्रैक का प्रॉब्लम है, ये देखिए इस साइड आ रहा है और इस साइड नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डीपली में जाऊंगा आज। आज मेरा दिल किया कि ये जो है स्मैटिक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सॉल्व करना फ्रेंड। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास, ये देखिए कुछ ये दो पॉइंट दिखेंगे, इसके बाद ये जो है ये इस साइड वाला जो है यहाँ पे इसका ट्रैक जाता है, और ये इस साइड वाला ट्रैक ये एक रजिस्टर से रजिस्टर से होके, ये देखिए रजिस्टर जो दिख रहा है ये रजिस्टर से डायरेक्ट पावर आईसी में जाता है, जो कि मैं आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। मैं पहले चेक करके बताता हूँ, रीडिंग लेके दिखाता हूँ कि ये रीडिंग यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। तो ये देखिए आपको क्या करना है, मैं थोड़ा अच्छी तरह से आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि आपको भी समझ आए फिर। ठीक है, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं दिखाया जाता है, और दिखाया भी जाता है तो वो पे होता है, बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज लिया जाता है, आप फ्री में सीख पाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो यूनिक वीडियो लाता हूँ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बट आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट हो, हमें भी। ये देखिए यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं, कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, ये देखिए, और इस साइड नहीं आ रहा है। तो कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए ब्लैक प्रोब को, रेड प्रोब को ग्राउंड करना होता है, ब्लैक प्रोब से चेक करना होता है, जो कि मैं आपको चेक करके अभी दिखाऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है फिर। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ से कंटिन्यूटी, ये देखिए यहाँ रजिस्टर पे कंटिन्यूटी हमारा आना चाहिए या नहीं, ये देखिए हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारा जो है कंटिन्यूटी बिल्कुल आ रहा है, कोई तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और ये देखिए मैं फिर से आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल फाइनली कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बट इस साइड हम चेक करते हैं इसको रजिस्टर, ये देखिए रजिस्टर टेस्टिंग का अगर वीडियो पता नहीं है तो रजिस्टर टेस्टिंग का भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ वो देख लीजिए। दोनों साइड वन आ रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर ओपन है फिर। ठीक है, तो ये देखिए कोल्ड टेस्टिंग करते हैं तो रजिस्टर के इस साइड जो है रीडिंग आ रहा है, ये देखिए उस साइड नहीं आ रहा है,
और इस साइड रजिस्टर की इस साइड, तो 100% एक फ्रेंड कोई भी जनरली ये समझेगा उस साइड अगर रीडिंग नहीं जा रहा तो कंपोनेंट ओपन है हमारा, ठीक है। रजिस्टर ये जो लगा है बीच में ये हमारा ओपन है, और आपका जो है अगर इस साइड रीडिंग आ रहा है उस साइड नहीं आ रहा है तो आप रजिस्टर हटा दीजिए और जम्पर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको डीपली में समझना है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ, स्मैटिक डायग्राम पे अब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसका जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी है और यहाँ पे ये रीडिंग देगा इसका, और दोनों को मैं पावर बटन का कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना रीडिंग आ रहा है और कहाँ ट्रैक जाएगा इसका, कौन से कंपोनेंट लगे होते, कितने ओम के लगे होते, चलिए मैं स्मैटिक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो ये देखिए हम यहाँ से इसको दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड मैंने जो बोर्ड में आपको दिखाया कुछ चेक करके, तो आप यहाँ से फिर से आप देखिए और समझिए इसको बारीकी से। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो, जो इंस्टीट्यूट में बताया जाता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिले, और आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए तभी आप लोग समझ पाइएगा, ना कि आप वीडियो बीच में स्किप कर देने से आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। तो आप जो ये देख रहे हैं ये है आपका पावर बटन, ठीक है, ये है J2 का पावर बटन, ठीक है। तो मैंने स्मैटिक और डायग्राम के थ्रू में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसका जो है मेन लाइन कहाँ जाता है, कहाँ जी में जाता है, PM में जाता है, कहाँ जाता है, कैसे ऑन करता है, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ फिर, ठीक है। तो आपको जब मैंने चेक किया था यहाँ पे दोनों पे, ये जो है आपको ये देख लीजिए इस पॉइंट पे आपका रीडिंग आ रहा था और इस वाले पॉइंट पे मेरा रीडिंग कुछ भी नहीं आ रहा था फ्रेंड, ठीक है। तो जब मैंने चेक किया था या तब, तो अब जो है मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये वाला लेके चलता हूँ या तो यही लेके चलता हूँ जो मेरा ओपन था, ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ और दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिए आप। आप जो मेरा जो ये ओपन वाला था ये वाला ट्रैक, तो ये देखते हैं हम कहाँ जाता है हमारा, ठीक है। तो मैं पिक भी दे दूँगा आप देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ से ये निकलता है और यहाँ से जाने के बाद आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ रजिस्टर है फ्रेंड, ठीक है। रजिस्टर आपको पता नहीं है क्या होता है रजिस्टर, तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे कंपोनेंट का, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप लोग देखिए। ये हमारा पार्ट चल रहा है 10th हार्डवेयर लेसन का। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट में हमारा मिल जाता है यहाँ पे रजिस्टर, और रजिस्टर कितने ओम का होता है तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ रजिस्टर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको लाइन को लेके चलते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे मेरा जब चेक किए थे रीडिंग नहीं आ रहा था और इस साइड पे रीडिंग आ रहा था, कंटिन्यूटी जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, कोई तरह की दिक्कत नहीं था, ये रजिस्टर हमारा ओपन था। तो मैंने इसको निकाला और यहाँ से रजिस्टर जम्पर कर दिया, आप रजिस्टर है तो रजिस्टर लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ के बाद आपका क्या होगा कि ये देखिए कहाँ जा रहा मेरा लाइन, ये देखिए VPH पावर का ये लाइन है, ठीक है। अगर आपका ओपन हो रहा है, अगर आपका कोई ट्रैक नहीं मिल रहा है तो आप PMI में जा रहा है ये, ठीक है, ये PMI में जा रहा है, और ये देखिए यहाँ कैपेसिटर से होके PMI में जा रहा है, VPH लाइन है, ठीक है। आपका शॉर्ट यहाँ से ओपन हो जा रहा है, अगर आपको कोई लाइन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से VPH पावर का भी लाइन दे सकते हैं। इस बार ये चीज़ आपका कन्फर्म हो गया। उसके बाद इस लाइन को हम लेकर चलते हैं, स्मैटिक भी दिखाऊंगा अभी कि स्मैटिक में आपको कहाँ, स्मैटिक में आपका कैसे काम करता है, कौन एक नंबर है, कौन दो नंबर है, ये मैं सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले वहाँ आप समझ लीजिए, उसके बाद ये आ जाता है, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले यहाँ डायोड मिल जाता है, ठीक है। डायोड के बाद एक कैपेसिटर मिलता है, कैपेसिटर के बाद एक फिर रजिस्टर मिलता है जो कि ऑन, ये जो है PM में चला जाता है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट ये PM में आ रहा है। तो अब मैं इसको स्मैटिक डायग्राम से दिखाता हूँ ये आपका कहाँ जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये जो है फर्स्ट नंबर का लाइन जो मैं अभी बता रहा था, ये इसको इसमें फर्स्ट नंबर का लाइन दिखाया गया है, ये देख लीजिए। आप एक नंबर का लाइन दिखाया गया जिसमें कि फर्स्ट में डायोड मिला हमारा, ये देखिए मैंने डायोड का भी लेसन बनाया हूँ, उसमें भी दिखाया हूँ कि डायोड आपको किस प्रकार दिखेगा स्मैटिक डायग्राम में। तो मैं बता दूं इसी टाइप का आपको दिखेगा, अगर नहीं पता है तो वो भी कंपोनेंट का वीडियो आप देख लीजिए, तब ज़्यादा कुछ आप समझ पाइएगा। तो ये देख लीजिए डायोड कुछ इस प्रकार का है, अगर इस टाइप का सिंबल दिखे तो ये डायोड है। उसके बाद आप देख लीजिए कैपेसिटर लगा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ कितने म्यू फ्राड का है ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा
रजिस्टर जो मैं बोला था 1K का है, ये भी लिखा हुआ है 1K, ये फोन 1, ये पीएम में चला जाता है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये दो नंबर का पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक रजिस्टर लगा रखा है, उस वो जो रजिस्टर मैं दिखाया अभी आपको, ये वाला रजिस्टर आप देख लीजिए, ये यहाँ से निकलता है, फर्स्ट दो नंबर रजिस्टर में जाता है, ये देखिए, ये यहाँ से दो नंबर का पॉइंट है और यहाँ से निकला, ये रजिस्टर में गया, 100 ओम का भी इसमें लिखा हुआ होगा, ये देखिए 100 ओम लिखा हुआ है, और इसके बाद ये VPH पावर का लाइन है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, इसमें रजिस्टर शो नहीं किया है बट ये VPH पावर दिखा दिया है, VPH पावर का लाइन है। और ये एक नंबर का जो पिन है, ये देख लीजिए, फर्स्ट डायोड सेकेंड कैपेसिटर, ये देख लीजिए, यहाँ से निकलता है, फर्स्ट ये डायोड में जाता है, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड 1K का रजिस्टर, ये देख लीजिए, थर्ड माय फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्या आपको ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ, उस प्रैक्टिकल वीडियो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहता है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड प्ले कर दिया हूँ, और आपको जो है ये चेंज कर, ये रजिस्टर हटा के यहाँ से, ये देखिए मैं रजिस्टर यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और यहाँ जम्पर करके दिखाता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड प्ले कर दिया हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने क्योंकि पहले वीडियो में ही बिल्कुल सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, ये मैंने जम्पर कर दिया और मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, ये जम्पर मेरा रजिस्टर हटा के, ये जम्पर हुआ है नहीं हुआ है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मेरा जो है रजिस्टर हटा के जम्पर हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से, आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अब कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, और कंटिन्यूटी चेक करके उसके बाद मैं फ़ोन को भी ऑन करके दिखाऊँगा कि मेरा फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है फ्रेंड। तो ये देख लीजिए ब्लैक प्रोब को, ये देखिए एक बार में फ्रेंड यहाँ रीडिंग आ गया और कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो ये देख लीजिए, यहाँ भी मैं दिखाऊंगा आपको चेक करके, ये देखिए यहाँ भी रीडिंग आ रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। और दूसरा में टच हो गया, ये हिल रहा है थोड़ा सा, ये देखिए मैं चेक करके देता हूँ, ये देखिए यहाँ भी सही है। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी आ रहा है मेरा रीडिंग, इसका मतलब है एग्जैक्ट दोनों साइड रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो है रजिस्टर पावर बटन काम कर जाएगा। तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड कि ये ऑन होता है नहीं होता फ्रेंड। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं जो लेटेस्ट से लेटेस्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ वो आपसे मिस ना हो। फिर मैं निकाला, फिर आपको लगा के दिखाता हूँ ऑन करके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, ये देखिए हमारा ऑन हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।